गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 6 रीड करेंगे, तीन कछुए। आइए बच्चों, हम आपको एक बहुत पुरानी कहानी सुनाएं। एक मरतबा तीन कछुए पानी में रहते थे। पानी में रहते रहते कछुए उकता गए। उन्होंने सोचा कि पहाड़ों की सैर करनी चाहिए, जहां हर वक्त सुकून और सन्नाटा रहता है। ये सोचकर तीनों कछुए पहाड़ की सैर करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपने साथ खाने पीने का बहुत सारा सामान ले लिया। उनका सफर बहुत लंबा था। कछुए धुन के बड़े पक्के थे। वो रास्ते की हर तकलीफ का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते चले गए। बाला आखिर उनको पहाड़ दिखाई दिए जिनकी चोटियां बर्फ से ढकी हुई थी। उनको यहाँ पहुंचते पहुंचते 20-20 दिन गुजर गए थे। इतने दिन के बाद जब उन्हें मंजिल दिखाई दी तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने पहाड़ के दामन में एक बहुत अच्छी जगह पसंद की और सोचा कि कुछ दिन इतनी अच्छी जगह का कुछ मजा लूटे। हवा भी हल्के हल्के चल रही थी। बर्फीली हवाएं आती तो कछुए अपना मुंह अपनी मोटी खाल में छुपा लेते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि हवा में कितनी ठंडक है। उनको बहुत जोर से भूख लगी। उन्होंने सोचा कि अब खाना खाना चाहिए। उन्होंने बहुत से बड़े बड़े पत्ते इकट्ठे किए और फिर बड़े सलीके से उन पत्तों पर अपना खाना निकाला। लेकिन जब खाना खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उनको ख्याल आया कि यहाँ तो पानी का नाम व निशान भी नहीं है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। तीनों कछुए सोच में पड़ गए। आखिर में बड़ा कछुआ बोला, मेरी तो ये राय है कि पानी लेने छोटे कछुए को जाना चाहिए, क्योंकि वो उस वक्त भी खास चुस्त व चालाक मालूम होता है। मैं तो इस वक्त बहुत थक गया हूँ। छोटे कछुए ने बहुत आनाकानी की, मगर वो दोनों उसके पीछे पड़ गए। मजबूरन छोटे कछुए को उनकी बात माननी पड़ी, लेकिन वो बोला, मैं चला तो जाऊंगा, मगर मुझे यकीन है कि मेरे जाने के बाद तुम मेरा इंतजार किए बगैर ही सारा खाना चट कर जाओगे। बाद में मुझे खाना मिलेगा भी तो वो भी झूठा होगा। दोनों कछुए ने कहा कि हम तुम्हारा इंतजार करते रहेंगे। छोटा कछुआ संजीदगी से बोला, जी हाँ जरूर करोगे, मुझे यकीन है कि तुम हरगिज मेरा इंतजार नहीं करोगे। आखिर छोटा कछुआ चला गया। अब बाकी दोनों कछुए बैठे इंतजार कर रहे थे। एक घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, 4 घंटे गुजरे, फिर 8 घंटे, यहाँ तक कि पूरा दिन गुजर गया। छोटे कछुए को ना आना था ना आया। अब तो दोनों कछुए का भूख के मारे बुरा हाल हो गया। उन्होंने सोचा कि अब ज्यादा इंतजार करने से कोई फायदा नहीं है। आखिर भूख से बेकाबू होकर खाना खाने को हाथ बढ़ाया ही था कि छोटा कछुआ चट्टान के पीछे से कूदता हुआ आया और बोला, मैं जानता था कि तुम दोनों हरगिज मेरा इंतजार नहीं करोगे, इसलिए मैं गया ही नहीं, यही चट्टान के पीछे बैठा हुआ देख रहा था। दोनों कछुए भौचक्के रह गए। आखिर कहते भी तो क्या कहते। इस कहानी से जो हमें तालीम हासिल हुई यह है कि अगर किसी से वादा करो तो उसे पूरा करो। आगे है अल्फाज की कुछ मानी है जिसे आपको याद करना है। एक बार रीड कर लेते हैं। सैर करना मीन्स घूमना, धुन मीन्स लगन, सुकून खामोशी अमन, और भौचक्का हैरान। स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छे से याद करना है अल्फाज के मानी। आगे देखते हैं। आगे है सोचिए और बताइए। मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगी नहीं, मैं सिर्फ बोल बता दे रही हूँ। आपका ये होमवर्क है, आप इसे खुद प्रॉपर तरह से कंप्लीट करेंगे। तो सोचिए और बताइए, पानी में कितने कछुए रहते थे, उन्होंने कहाँ जाने के लिए सोचा। तो पानी में तीन कछुए रहते थे, उन्होंने कहाँ जाने के लिए सोचा, तो किसी बर्फीली जगह पर जाने का उन्होंने सोचा। क्या इस कहानी का कोई दूसरा नाम भी हो सकता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या कोई दूसरा नाम हो सकता है या नहीं। ये मैं पहले बता दे रही हूँ, ये होमवर्क है, आपको इसे कंप्लीट करना है।
मुनासिब अल्फाज लफ्जों से खाली जगहों को पूरा कीजिए। छोटे कछुए ने बहुत आनाकानी की मगर वो दोनों उसके पीछे पड़ गए। मजबूरन उसको उनकी बात माननी पड़ी, लेकिन वो बोला, मैं चला तो जाऊंगा मगर मुझे यकीन है कि मेरे जाने के बाद तुम मेरा इंतजार किए बगैर ही सारा खाना चट कर जाओगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क था, आगे हम लोग देखेंगे। ये मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको कंप्लीट कीजिएगा। नीचे दिए लफ्जों के जमा बनाइए, जैसे कहानी कहानियां, बात बातें, छोटा छोटे, बड़ा बुरा है तो बुराई, फायदा फायदे, कछुआ कछुए। ठीक है, दिए गए जुमलों पर सही या गलत का निशान लगा। एक मर्तबा दो कछुए पानी में रहते थे। तो पानी में कितने कछुए रहते थे, यहाँ हम लोगों ने देखा है कि पानी में एक मर्तबा तीन कछुए पानी में रहते थे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। इसे हम लोग क्या करेंगे, गलत। उन्होंने सोचा कि हमें बाघ की सैर करनी चाहिए, गलत। कहाँ की सैर करनी चाहिए, किसी बर्फीली जगह की। कछुए धुन के बड़े पक्के थे, सही। उनका सफर बहुत लंबा था, बिल्कुल सही। आखिर छोटे कछुए ने उनकी बात नहीं मानी, गलत। उनकी बात मानी बट वो गया ही नहीं था। ओके स्टूडेंट्स, आगे का जो क्वेश्चन आंसर है मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। सो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।